फौज के केस को बना लें। इसी तरह उन्होंने PIA एयरपोर्ट को भी NDMA के साथ मिलके उसको भी बना रही है वफाक। और ये जो मैंने आपको कल बताया था 250 बिस्तर का अस्पताल जो KMC से लेके हम कन्वर्ट उसे करें, तो ये सारी फैसिलिटीज आने वाले वक्त के लिए तैयार की जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं आज कराची की ताजर ब्रादरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इतराज काफी फैली वालों ने, और उन्होंने शदीद तहफुजात का इजहार किया, खासतौर पर कैलेक्टर के हवाले से कि उनके इजाफी पैसे वसूल करने के लिए बिल के जो है वो उनमें अमाउंट लगाया गया, लाखों रुपए इजाफी वसूली करने की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वफा की हुकूमत हमारे हाल पर ही रहने देना, तो भी हम देखिए मैं ये मेरे पास कल ताजर बिरादरी के लोग आए थे कुछ लोग, और उन्होंने मुझसे ये बात की थी, और मैंने फौरी तौर से ये मामला वज़ीर आज़म तक पहुंचाया है। और अभी जो वज़ीर आज़म साहब अनाउंस करने वाले हैं अपना इक्तसादी पैकेज ट्यूसडे को, उसके अंदर इंशाल्लाह इसको भी एड्रेस कर लिया जाएगा। मैं अपनी ताजर बिरादरी को यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ कोई जाती नहीं होने दूंगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका केस आपके साथ मिलकर लड़ूंगा। गवर्नर साहब, ये जैसे पूरा कारोबार बंद है, सब कुछ पूरे पाकिस्तान में हो गया है, और ये वफाक क्यों नहीं लोगों को बिजली का बिल, गैस का बिल माफ करे, ताकि ये जो कारोबार का असर पड़ेगा उनके ऊपर, उनका रोजगार। मैंने आपसे कहा ना कि वज़ीर आज़म साहब ट्यूसडे को इक्तसादी पैकेज देंगे, उसके बाद हम फिर ये बात